हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन देखो क्या दिया, 2x - 3y = 15, 8x + 5y = 77। ये प्रैक्टिस सेट सबको बहुत मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम देती है कि इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल बताऊंगा, आप इस वीडियो में पूरा देखो, आपको नहीं आखिरी तक के सब समझ में आ गया जब बोलना। देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, 2 upon x, इसको क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है 2 into 1 upon x। लिख सकते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 2 ही होगा और नीचे x है। 3 upon y को लिखना है 3 into 1 upon y = 15। देखो मैंने ये वाली इक्वेशन को कितना ईजी लिख दिया, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन ले लो, 8 1 upon x - sorry plus है यहाँ पर, और ये 5 upon y को लिखेंगे हम लोग 5 1 upon y, क्योंकि 5 1 = 5 ही होगा वो, ठीक है। ये आपकी 2 इक्वेशन हो गई। अब अगर आप ध्यान दोगे तो 2 के बाद 1 upon x है, यहाँ पे 8 के बाद 1 upon x है, तो दोनों वेरिएबल नीचे है और यहाँ y दोनों वेरिएबल नीचे है। तो आपको क्या करना है, लेट मान लेना है कि 1 upon x क्या है, a है, और 1 upon y क्या है, b है। 1 upon x को क्या मानेंगे, a मानेंगे, 1 upon y को क्या मानेंगे, b मानेंगे, a b c d c को, ठीक है। हाँ, सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो कितना इजी मैथ से ABCD आ रहा है इसमें। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। देखो जैसे 2 into 1 upon x है, तो 2 1 upon x आया, मतलब उसकी जगह पे क्या लिखना है, a, क्योंकि हमने 1 upon x को a मान लिया, -3 1 upon y की जगह क्या लिखना है, b, क्योंकि हमने उसको b मान लिया, = 15। ये हो गई पहली इक्वेशन, बन गई ना आपकी सिंपल इक्वेशन जनरल फॉर्म में, सिंपल। इसी को 8 1 upon x को a मान लेंगे, प्लस 5 1 upon y को मान लूंगा B = 77। ये आपकी 2 इक्वेशन हो गई। तो आपकी पहली इक्वेशन ऊपर, दूसरी इक्वेशन नीचे। अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो या आप जैसे भी सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो देखना है। अभी यहाँ पर देखो क्या है, 2a - 3b = 15, 8a + 5b = 77। ये 2 इक्वेशन हो गई। अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। कैसे करेंगे, मैं आपको पहले बता दूँ कि फर्स्ट रूल क्या है उसका, एलिमिनेशन मेथड का फर्स्ट रूल ये है कि या तो एक्स वेरिएबल या तो वाई वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, उसके साथ जो नंबर आते हैं वो सेम होना चाहिए, और अगर नहीं है तो उसको पहले सेम करो। अभी यहाँ पर ए देखो, दोनों ए का कोएफिशिएंट सेम है क्या, नहीं है। दोनों बी का कोएफिशिएंट सेम है क्या, नहीं है। तो कोई भी एक, या तो ए का कोएफिशिएंट या तो बी का कोएफिशिएंट सेम करो, कोएफिशिएंट मतलब वो नंबर। तो ये फर्स्ट रूल है। तो अगर आप ए में देखोगे, एक जगह 2 है, एक जगह 8 है, बी में देखोगे 3 और 5 है, आप बी में देखोगे तो 3 और 5 है, दोनों सेम टेबल में नहीं आते। तो इसको अगर आप सेम करने जाओगे तो दोनों इक्वेशन को बदलना पड़ेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो दोनों सेम टेबल में आता है। तो इसको सेम करने जाओगे तो एक इक्वेशन को बदलना पड़ेगा, पहली वाली इक्वेशन। 2 को मुझे 8 के जैसे बनाना है, छोटे वाले नंबर को बड़े जैसे बनाना है। 2 को 8 कब बनाऊंगा, जब मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस माइनस नहीं चलता, मल्टीप्लाई चलता सिर्फ। तो देखो 4 × 2 = 8a। अब ये 4 से पूरी पहली इक्वेशन पूरी मल्टीप्लाई होंगी, -3 × 4 = 12b, 15 × 4 = 60। हो गई इक्वेशन चेंज, एक इक्वेशन चेंज करना पड़ा। नीचे वाली इक्वेशन वैसे के वैसे लिख दो। ये देखो क्या 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 प्रॉब्लम आया यहाँ पर, कुछ भी नहीं हुआ कि नहीं, a का कोएफिशिएंट सेम, नंबर सेम हो गया ना, पहला रूल सेटिस्फाई हो गया, फर्स्ट वाला रूल जो है सेटिस्फाई हो गया। अब बात होंगी सेकंड रूल की, बात किसकी होंगी, सेकंड रूल की। तो सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल ये है कि जो नंबर सेम है उनकी साइन अलग अलग होनी चाहिए। जैसे 8a, इसके पहले साइन कुछ नहीं मतलब प्लस है, ये भी 8a, इसके पहले साइन कुछ नहीं है मतलब प्लस है, दोनों प्लस है, सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग। इसका मतलब नीचे वाले की चेंज करना पड़ेगी। मैं चेंज कर देता हूँ, यहीं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, नीचे वाले इक्वेशन को यहीं चेंज कर देता हूँ। 8a का प्लस है तो माइनस कर दूंगा, 5b प्लस है तो माइनस कर दूंगा, 77 प्लस है तो माइनस कर दूंगा। अब क्या करूँगा, देखो ये पहली इक्वेशन नीचे वाली इक्वेशन की सेम सेम हो गया है और साइन अलग अलग है, तो 8 - 8 कैंसिल हो जाएगा, बच क्या रहा, 12 और 5, दोनों माइनस में। जब दोनों माइनस में होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 12 + 5 कितना हो जाएगा, 17b, लेकिन बड़े की साइन क्या है, माइनस, और इसको अगर आप माइनस करोगे 60 - 77, तो बड़े में से छोटा माइनस कर दो पहले, आपको बचेगा 17 और बड़े की साइन लगा दो माइनस। तो आपके पास आंसर आ रहा है -17b = -17। मैं क्या करूँगा, ये -17b के साथ मल्टीप्लाई में उधर लेकर जाके उसको डिवाइड कर दूंगा, -17 के नीचे ये वाला -17 डिवाइड कर दूँ,
माइनस माइनस कैंसिल, 17 कैंसिल, मल्टीप्लाई या डिवाइड में जब कैंसिल करते तो क्या बचता है, 1। तो b की वैल्यू क्या बच गई, 1। b की वैल्यू क्या आई, 1। इसी तरह से a की वैल्यू निकालना है, b की वैल्यू हमने 1 निकाला है और आपकी एक इक्वेशन क्या आती है, 2a - 3b = 15। इसमें मैं b की जगह पे 1 रख दूंगा, देखो सब वैसा का वैसा, सिर्फ b की जगह पे 1 रख दूंगा, 3 1 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 15। अब ये क्या करो, माइनस 3 को राइट साइड में लेके चले जाओ, तो इधर आगे क्या हो जाएगा वो, प्लस 3। माइनस 3 अगर राइट साइड में जाता है तो क्या हो जाएगा, प्लस 3, ठीक है। तो 2a = 18। अब 2 को नीचे लिखा के डिवाइड कर देंगे 18 के पास, 2 1 2 9, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 9 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई, और b की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 1, ये हमने फाइंड आउट कर दिया, ठीक है, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 1। हाँ, लेकिन हमने देखो पीछे जाकर देखो, a की वैल्यू क्या माना था हमने, 1/x, 1/x को a माना था, क्या माना था, 1/x को a माना था, और 1/y को क्या माना था, b। तो b आपका 1/y के बराबर हो जाएगा और a आपका 1/x के बराबर हो जाएगा। अब a की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पर a की जगह पे सिर्फ मैं 9 रख दूंगा, मुझे x और y निकालना है क्योंकि मेरा क्वेश्चन x और y के टर्म में था, a और b में नहीं था, वो तो मैंने डाला था, ठीक है। अब देखो x को 9 की तरफ लेकर आओ, 9 को x की तरफ लेकर आओ, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/9, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1/9। अब b वैसा करो, b इज इक्वल टू, b की वैल्यू क्या है, 1, तो उसकी जगह पे 1 डाल दूंगा, 1/y, y को 1 की जगह, 1 को y की जगह, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/1, जिसको आप बोलेंगे 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1/9। यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1.4 का, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, और ये क्वेश्चन आप लोग देख लो, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन दिखने में तो थोड़ा सा टफ लगता है, बहुत सिंपल, सिंपल सा हमारा जो कंसेप्ट है ना उसको फॉलो करते रहो। क्या करना है, 10/x + y, यहाँ देखो 15/x + y, ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, लेकिन आप पहला टर्म दोनों में देखोगे तो नीचे वाला सेम है, दूसरा टर्म दोनों में देखोगे तो नीचे वाला सेम है और सेम होगा। तो इसको कैसे लिखना है, मान लो यहाँ पे लिखो कि इसको मैं ऐसा लिखूंगा 10 × 1/x + y। अब आप बोलोगे ये चीज़ क्या आ गई, ये नई चीज़ क्या आ गई भाई, ये किधर किधर जा रहा है तू, अरे मैं किधर नहीं जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, 10 को सिर्फ कॉमन निकाल रहा हूँ, 10 1 से क्या होगा, 10 ही होगा ना, ठीक है। यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल लो, हो जाएगा 1/x - y, कोई बड़ी बात नहीं है, इज इक्वल टू 4। ये हो गई पहली इक्वेशन जो आपने लिखा है, पहली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन को भी इसी तरह लिख दो, 15 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 1/x + y, बीच में माइनस है और -5 है, तो इधर हो जाएगा 1/x - y = -2, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब क्या करोगे, अब करना है यहाँ पर देखो 1/x + y, नीचे भी सेम है, 1/x - y, नीचे भी सेम है, तो आप मान लो कि 1/x + y जो है मैं उसको a मानता हूँ, 1/x - y है मैं इसको b मानता हूँ, समझ में आया, मैं q कॉमन निकाल रहा था। अब देखो 10 के बाद 1/x + y है, उसको मैंने क्या मान लिया, a, तो जहाँ 1/x + y है उसको a लिख दो, 10a + 2, 2 के बाद 1/x - y उसको मान लिया b, इज इक्वल टू 4। देखो हो गई, ये तीसरी इक्वेशन नई इक्वेशन बन गई, हो गई ना आपकी वो जनरल इक्वेशन फॉर्म में, कितना सिंपल है यार। देखो नीचे वाले को भी ऐसे लिखते, 15 1/x + y की जगह a, -5 1/x - y की जगह b इज इक्वल टू -2, फोर्थ इक्वेशन, ये दो इक्वेशन आ गई। तो इसको सॉल्व करो, अब आप कैसे सॉल्व करते हैं वो आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन मैं सॉल्व करूँगा, तो मैं देखो क्या करूँगा, इधर सिंपल सा देखो, मुझे या तो a या तो b, इन दोनों में से कोई भी एक सेम करना है, ये फर्स्ट रूल है। तो 10 और 50, a पे a का कोएफिशिएंट है 10 और नीचे वाले a का कोएफिशिएंट 15, सेम नहीं है, यहाँ पे b का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ 5 है, सेम नहीं है, तो सेम कर रहे हैं। देखो मैं क्या करूँगा, ये 2 और 5 पे ध्यान दो, 2 को 5 की तरह बना नहीं सकते क्योंकि 2 और 5 दोनों सेम टेबल में नहीं आएंगे, तो मैं क्या करूँगा, ये 2 को, मतलब ये 2 वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। आप बोलोगे क्यों 5 से किया, क्योंकि नीचे 5 है, उसी के नीचे। अब ये 5 वाली इक्वेशन को ऊपर वाली की जैसा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, समझ में आ रहा है बात, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब पूरी इक्वेशन जो है ना पहली 5 से मल्टीप्लाई होंगे, 10 5 = 50a + 2 5 = 10b = 4 5 = 20, हो गया है, चेंज हो गया। अब नीचे वाला देखो, 15 2 = 30a - 5
फाइव टू ज़ा टेन बी इज इक्वल टू 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 ज़ा कितना हो जाएगा फोर माइनस। अगर आप इसको भी 10 को 15 से और 15 को 10 से भी करेंगे तब भी आप सही जाएंगे, लेकिन ये सिंपल है आपका क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, अब फर्स्ट रूल आपका यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। फर्स्ट रूल ये बोलता है कोई भी एक वेरिएबल लो, उसका कोएफिशिएंट मतलब उसके साथ जो नंबर आते हो सेम कर दो। तो मैंने यहाँ पे बी को चुना और बी के साथ के नंबर दोनों सेम हो गए। अब सेकंड रूल ये होता है कि जो दोनों नंबर है ना उनकी साइन अलग अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो दोनों सेम नंबर की साइन अलग होनी चाहिए, एक की प्लस है एक की माइनस है। हो गया दोनों रूल सेटिस्फाई। जब दोनों रूल सेटिस्फाई हो गया तो फिर सॉल्व करने में क्या दिक्कत आ रही है भाई, इसको और इसको कट कर दो, 10 में से 10 गया जीरो। 50A प्लस 30A कितना हो जाएगा, प्लस है दोनों क्योंकि दोनों की साइन प्लस है, तो 80A हो जाएगा। 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा 16। तो क्या आ रहा है 80A इज इक्वल टू 16। अब A और 80 में मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 16 डिवाइड बाय 80। अब आप बोलो 16 और 80 सेम टेबल में आते हैं क्या, आते हैं। 16 वंस हर बार नीचे से कट करना, पहले शुरुआत करना ऐसे ज़रूरी नहीं होता है, ऊपर से भी करते हैं। ठीक है, 16 वंस 16, 16 फाइव 80, क्या है 80। तो आपका आंसर क्या है, ए इज इक्वल टू 1/5। बहुत लोग यहाँ गलती क्या करते हैं बताए, ए इज इक्वल टू 5 लिख देंगे। क्यों बोलेंगे 1 तो लिखते नहीं ना, अरे भाई 1 जब डिनोमिनेटर में होता है तब नहीं लिखते, न्यूमरेटर में होता तो लिखना पड़ता है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1/5। अब निकालना है बी की वैल्यू। अब क्या निकालना है, बी की वैल्यू। यहाँ से एक इक्वेशन ले लो कोई भी, मैं ये वाला इक्वेशन ले लेता हूँ, उसमें ए की वैल्यू 1/5 डालेंगे, याद रखो। हाँ देखो, ये हमारी इक्वेशन थी पहली, 10A प्लस 2B इज इक्वल टू 4। ये सिंपल सा इक्वेशन है। अब क्या कर रहे हैं मालूम है क्या, ए की जगह पे 1/5 डाल दे रहा हूँ मैं, ए की जगह पे क्या डाल दे रहा हूँ 1/5। अब आप देखो यहाँ पर 10A प्लस 2B में एक आए या आए, तो उसकी जगह क्या डाल देंगे 1/5। अरे बाप रे, इतना सिंपल, अब तो सिंपल ही रहता है भाई। अब देखो 5 वन 5 2, और ये 2 वन क्या हो जाएगा 2 प्लस 2B इज इक्वल टू 4। अब मेरा दिमाग तो ये करेगा कि भाई नंबर एक तरफ लिख लेना, काय को इधर लिख रहे हैं, तो ठीक है नंबर को एक तरफ कर देते, 2B इज इक्वल टू 4, 4 2 उधर चला गया तो माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 गया बच रहा है तो ठीक है। अब ये 2 जो है बी के साथ डिवाइड कर दो उधर लेके जाके, डिवाइड तो 2/2 क्या हो जाएगा 2 1 2 2 1 2, बी क्या आ रहा है 1, बी की वैल्यू क्या आ रही है 1। सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, बी की वैल्यू 1 आ गई, ए की वैल्यू 1/5 आ गई। बस आपको ये निकालना है एक्स और वाई, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है एक्स और वाई वेरिएबल दिया है, तो एक्स और वाई निकालना है। ए और बी तो उन्होंने क्वेश्चन में दिया ही नहीं। अगर तुम यहाँ छोड़ दोगे बोलेंगे भैया ए और बी तो मैंने दिया नहीं, तो कुछ और ही निकाल रहा है, कुछ और ही कर रहा है भाई तू, समझा ना। हाँ तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू याद रखो, मैं सॉल्व करता हूँ आगे। की वैल्यू क्या है 1/5, बी की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, अब आप देखो 1/x + y को मैंने a माना था, पीछे जाके देख लो 1/x - y को मैंने b माना था, पीछे जाके देख लो, तो 1/x + y को a माना था, और a की वैल्यू क्या है 1/5, ये हो जाएगा 1/5। मैं क्या करूँगा, दोनों को उल्टा कर दूंगा, x + y / 1 5/1। अगर मैथ्स का रूल है, ये उल्टा कर रहे हो तो इसके साथ भी इंसाफ करो ना भाई, तो x + y / 1 कर रहे हो तो इधर भी 5/1 हो जाएगा, और नीचे 1 रहता तो नहीं भी लिखते तो चलता। तो ये इक्वेशन हो गई x + y = 5, ये आपकी एक और इक्वेशन बन गई। अब ये वाला सॉल्व करते, 1/x - y, बी की वैल्यू क्या है 1 है, अभी 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ ना, जिसके नीचे फ्रैक्शन में कुछ नहीं उसको नीचे 1 लिखते। अब इसको भी उसी तरह से उल्टा कर दो, x - y / 1 और 1/1, तो नीचे के नहीं भी लिखे चलते तो ये आंसर आएगा x - y = 1। तो आपके पास दो इक्वेशन बन गई, x + y = 5, x - y = 1। फिर से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, फिर से क्या करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, प्लस वाई माइनस वाई, पहले से देखो वाई की कोएफिशिएंट, एक्स की कोएफिशिएंट भी सेम है, एक्स के साथ कुछ नहीं मतलब 1/1 है, यहाँ भी 1/1 है, बट यहाँ पे वाई ऐसा है जिसके साइन अलग अलग है, तो वाई को कट कर दो वाई माइनस वाई, एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x, 5 प्लस 1 हो जाएगा 6। अब 2 को उधर लेकर चले जाएंगे, चलो भैया लेके चलो 6/2, 2 1 2 3, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 3, एक्स की वैल्यू क्या हो गई 3, एक्स आ गया ना भाई, वाई निकालो। अब इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, मैं ये वाला उठा लेता हूँ, इजी पड़ेगा, x + y = 5।
अब क्या करना है, ये x की वैल्यू 3 रख दो, x की वैल्यू रख दिया 3, अब क्या करो, 3 को उधर लेके जाना भाई, नंबर है तो एक साइड ले लेना यार, इतना पूछने की ज़रूरत है क्या? चलो ले लिया, प्लस 3 इधर आके क्या हो गया, माइनस 3, 5 में से 3 गया, 5 में 3 गया, 5 गया 4, 5 में 3 गया तो कितना हो जाएगा 4, 5, 2 बच रहे, तो y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, यही निकालना था। पर हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं, और वो क्वेश्चन आपके सामने दिया है। तो आप जब क्वेश्चन को देखोगे तो आपकी आंखें थोड़ा वो हो जाएंगी कि ये कैसा क्वेश्चन है यार, ये इतना टफ, छोड़ देते हैं। नहीं 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 छोड़ना नहीं है, पहले देखो आप क्वेश्चन में देखो, लेकिन आप जब क्वेश्चन में देखोगे यार ये नीचे का जो ये टर्म है ना, ये टर्म थोड़ा सा तुम लोगों को प्रॉब्लम दे रहा है, तो हटा देते हैं। ज़िंदगी में दो चीज़ प्रॉब्लम देती है ना, हटा दो उसको, सॉल्व कर लो। मतलब तो क्या है 27 अपॉन एक्स माइनस 2, मैं इसको कैसे लिखूंगा, 27 को बाहर ले लेता हूँ, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 2, लिख सकते हैं ना, 27 बाहर आएगा, 27 वन जा 27 ही होगा। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो सेम बात है, 31 को बाहर ले लूँगा तो अंदर बचेगा 1 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 85, पहली इक्वेशन लिख दिया। सेकेंड इक्वेशन भी इसी तरह लिखते ही, अब 31 बाहर आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 2 अंदर, यहाँ 27 बाहर आ रहा है 1 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 89, अभी भी नहीं हटा यार, तुम तो बोले हट जाएगा, ठीक है मैं हटा के बताता हूँ आपको, ठीक है देखो कैसे हटाएंगे। ये देखो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 ये भी सेम है, ये 1 अपॉन वाई प्लस 3 ये भी सेम है, तो क्या करो, मान लो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 तुम्हारा ए है, क्या है ए है, मान लो 1 अपॉन वाई प्लस 3 तुम्हारा बी है, ये याद रखना, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 जहाँ जाएगा वहाँ पर लिखेंगे ए। तो देखो 27 ये इक्वेशन देखो, उसके बाद 1 अपॉन एक्स माइनस 2 आया उसकी जगह लिखेंगे ए, फिर प्लस, फिर 31 1 अपॉन वाई प्लस 3 आया उसकी जगह लिखेंगे बी इज इक्वल टू 85। हटा कि नहीं हटा, जो हमने सोचा था वो हटा कि नहीं हटा, ठीक है। अब देखो नीचे वाला 31 1 अपॉन एक्स माइनस 2 ए आएगा, प्लस 27 1 अपॉन वाई प्लस 3 बी आएगा इज इक्वल टू 89। आया कि नहीं आया आपका जनरल फॉर्म, खुश हुए, ठीक है आ गया। अब एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, वो प्रॉब्लम ये है कि यार देखो अब तो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, लेकिन साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, यहाँ दोनों अलग है और इसको सेम करने जाएंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आता है, ये नंबर और ये नंबर सेम होता है, ये नंबर और ये नंबर सेम होता है, तो तब इन दोनों को ऐड करो, क्या करो ऐड करो, प्लस कर दो। अब देखो 27 और 31 को ऐड करूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा 58 ए, इन दोनों को ऐड करूँगा मेरा आंसर आएगा 58 बी, इन दोनों को ऐड करूँगा मेरा आंसर आएगा 174, क्या आ रहा है 174। अभी क्या करेंगे, 58 कॉमन निकाल दो, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है तो वो करते बैठो 174। अब 58 को मैं वो साइड लेकर चला जाऊँगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 174 के नीचे आ जाएगा 58 डिवाइड में, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है 58। अभी देखो 50 और 174 अगर 50 का टेबल करेंगे तो 50 100 150 के आसपास है ये, मतलब 3 पे 50 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 150, और ये जो बचा हुआ 8 उसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 24, 150 प्लस 24 कितना होगा 174, तो 58 वन ज़ा 58 थ्री ज़ा, आप करके देखो तो आपका आंसर आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 3। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, क्या आ गई इक्वेशन, देखो ये इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दी, समझ में आ रहा है। हाँ अब एक और इक्वेशन निकालना है, तब जाके हम लोग को साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, इस तरह की एक और इक्वेशन हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। सो देखो ये इक्वेशन वापस से आ गई, अब क्या करोगे, अब तो एक बार प्लस कर दिया था तो एक इक्वेशन निकल गई, अब क्या करोगे फिर से, तो अब करना है सब्सट्रैक्ट माइनस। अब सब्सट्रैक्ट करने के लिए देखो एक चीज़ याद रखो, जब भी सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना तो दूसरी वाली इक्वेशन की साइन चेंज, 31 ए प्लस में था माइनस, 27 बी प्लस में था माइनस, 89 प्लस में था माइनस, खत्म, बस अब सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। 27 माइनस 31 क्या होगा माइनस 4a, 31 में से 27 गया प्लस 4b, बड़ा नंबर प्लस है, 85 माइनस 89 माइनस 4। अब आप देखो ये दोनों में 4 कॉमन है तो 4 बाहर निकालूंगा, यहाँ पर ध्यान देखो माइनस ए अंदर बच रहा है, यहाँ बच रहा है प्लस बी और इधर बच रहा है माइनस 4,
ये फोर को इधर लाकर डिवाइड करूँगा, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस फोर अपॉन ये फोर आ जाएगा इधर। अब इन दोनों को कैंसिल कर दो, यहाँ माइनस बचा, माइनस ए प्लस बी यहाँ बचा माइनस, और ये कैंसिल होके आ गया वन। तो आपका आंसर आ गया माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन। ये एक और इक्वेशन आ गई, और पहली वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। सो देखो ये इक्वेशन हो गई, ये दोनों इक्वेशन हमने जो निकाला था ए प्लस बी इज इक्वल टू थ्री पहले आई थी, और अभी आई माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन। इसको वापस से साइमल्टेनियस आप इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, बी प्लस बी कितना हो जा रहा है टू बी, थ्री माइनस वन टू। अब ये टू इधर ले, ये जो टू बी है दोनों मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ टू जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, टू और टू कैंसिल, तो बचेगा वन, बी इज इक्वल टू क्या हो रहा है वन। तो बी तो आ गया हमारे पास, अब आप निकालना है ए। तो आप ऊपर से कोई भी एक इक्वेशन ले लो, ऊपर वाली ले लो, ए प्लस बी इज इक्वल टू थ्री, बी की वैल्यू डालो यहाँ पे क्या है वन है, तो बी की जगह पे वन रख देंगे। अब ये वन उधर लेकर चला जाओ, तो उधर लेकर जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू थ्री माइनस वन कितना होगा टू, ए इज इक्वल टू थ्री माइनस वन कितना होगा टू। तो ए की वैल्यू आ गई टू और बी की वैल्यू आ गई वन। लेकिन अगर आप समझ रहे होंगे सॉल्व हो गया, तो सॉल्व नहीं हुआ, क्वेश्चन में है एक्स, क्वेश्चन में है y, तो x की y की वैल्यू निकालना है, क्योंकि x वेरिएबल क्वेश्चन में x और y है, हमने तो ए भी उसको कन्वर्ट किया था। अब x और y की वैल्यू निकालेंगे, अभी तो आधा हुआ है, अभी तो पिक्चर बाकी है, तो सिर्फ टीजर था। ध्यान से देखो क्या है, वन अपॉन एक्स माइनस टू कितना आ रहा है a आ रहा है। ये हमने पहले हमने ये पुट किया था कि वन अपॉन एक्स माइनस टू की जगह पर क्या रखना है a रखना है, तो a की वैल्यू क्या है टू। अभी इसको सॉल्व करेंगे, वन अपन एक्स माइनस टू ए के बराबर था, ए की वैल्यू टू आ गई, ठीक है ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो एक्स माइनस टू है ना, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दूँगा, मतलब ये वाला टर्म इधर लेकर चला जाऊँगा। देखो इधर वन है इधर टू है, ये एक्स माइनस टू टू के बाजू में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टू इंटू एक्स टू एक्स, और टू इंटू टू फोर हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस, ठीक है ठीक है। अब क्या करेंगे, नंबर एक तरफ माइनस फोर इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा वन है पहले से, माइनस फोर इधर आके प्लस फोर हो जाएगा, और राइट साइड में टू एक्स है, फोर प्लस वन कितना हो रहा फाइव, फाइव इज इक्वल टू टू एक्स। अगर टू इधर आके डिवाइड हो गया तो क्या हो जाएगा फाइव अपॉन टू, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई फाइव अपॉन टू, एक्स की वैल्यू क्या आ गई फाइव अपॉन टू, यही तो फाइंड आउट करना था। अब इससे वाई निकालेंगे, देखो वन अपॉन वाई प्लस थ्री को हमने बी माना था, ठीक है, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर वन है, ठीक है। सेम कंसेप्ट, वाई प्लस थ्री को उधर वन से मल्टीप्लाई कर दो, वाई प्लस थ्री को, अब क्या होगा वाई वन जा वाई और थ्री वन जा थ्री। अब क्या होगा, नंबर को एक तरफ लेकर आओ, वन इधर से पहले मौजूद है, प्लस थ्री इधर आके माइनस थ्री हो जाएगा, वन माइनस थ्री कितना होगा वन माइनस थ्री होगा, मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूँ माइनस टू। अब ये कैसे सॉल्व किया, किसी किसी को समझ में नहीं आ रहा होगी वाई की वैल्यू माइनस टू कैसे आई, थ्री में से वन गया टू बचा, बड़े की साइन माइनस, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू माइनस टू और एक्स इज इक्वल टू फाइव अपॉन टू, ये आपका फाइनल आंसर है। आज की इस वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले, चूंकि सबसे लोगों को सबसे हार्ड लगता है लेकिन सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, और हम लोग देखेंगे। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोगों को ऐसा नंबर देखना है, मतलब आप क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, देखो इस तरह से, लेकिन आपने अभी तक के साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया होगा तो आप बोल रहे होंगे यार वो तो सिंपल सिंपल सा इक्वेशन होता है, डिवाइड में तो नहीं होता है, तो डिवाइड वाला हमको यहाँ पे से हटाना है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, थ्री एक्स प्लस वाई, नीचे भी यहाँ पर थ्री एक्स प्लस वाई, ये वन अपॉन टू को हटा दो, तो ये दोनों थ्री एक्स प्लस वाई को कुछ और मानना है ताकि वो हट जाए, ये थ्री एक्स माइनस वाई, नीचे भी थ्री एक्स माइनस वाई, वन अपॉन टू को हटा दो। तो देखो मैं इक्वेशन कैसे लिखता हूँ, आप ध्यान दो, हाँ पहला देखो वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई, इसको वैसा का वैसा लिखो, वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू थ्री बाई फोर, ये आपकी पहली इक्वेशन होगी। लेकिन सेकंड इक्वेशन पे ध्यान दो, सेकंड इक्वेशन, पहली इक्वेशन में वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई, ये पूरा आपका क्या है, ये आपका वेरिएबल्स वाला टर्म है, तो इसमें भी वेरिएबल वाला टर्म अलग निकालेंगे, वन अपॉन टू को अलग लिखूंगा, मल्टीप्लाई वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई अलग लिखूंगा। अब बहुत लोग बोल रहे होंगे कि दो दो वन कैसे आया, वन को दस बार भी लिखो मल्टीप्लाई में तो वन ही आंसर आएंगे ना, वन वन जा वन, वन वन जा वन, वन वन जा वन, ठीक है, कितने ही बार लिख सकते हो, यहाँ भी वैसी करो, इसमें माइनस है, वन अपॉन टू बाहर निकाल रहा हूँ, मल्टीप्लाई में वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई, इसको आप ब्रैकेट में ले लो इस तरह से, इसको भी ब्रैकेट में ले लो, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एट।
अब अगर आप ध्यान देखोगे, ध्यान दोगे ऊपर, 1/3x + y, 1/3x + y दोनों सेम है, तो दोनों वेरिएबल है। इस 1/3x + y को आप मान लेना है a, क्या मान लेना है a, यहाँ 1/3x - y, यहाँ 1/3x - y, इस 1/3x - y पूरा उठाकर मान लेना है b। अब जहाँ भी 1/3x + y लिखा रहेगा वहाँ a लिखेंगे, जहाँ भी a लिखा रहेगा वहाँ पे b लिखेंगे। अब आप देखो पहली इक्वेशन देखो, पहले क्या है, प्लस से पहले क्या है, 1/3x + y, मैंने क्या बोला 1/3x + y की जगह पर क्या लिखना है a, तो वहाँ पर लिख देंगे a, प्लस 1/3x - y की जगह b लिखेंगे, तो b इज इक्वल टू 3/4, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 3/4। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, लेकिन जब अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर डिवाइड में 4 आ रहा है, ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो जहाँ डिवाइड में जितना आया उससे ही उसको मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। अब ये 4 × a = 4a, 4 × b = 4b, सबसे मल्टीप्लाई होगा 3/4 × 4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। यह आपकी एक इक्वेशन हो गई जिसको मैं नाम दे रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अभी ये वाली इक्वेशन लिखना है आपको, ये वाली इक्वेशन ध्यान दो, 1/2 लिखो, 1/2, उसके बाद लिखा है 1/3x + y, उसकी वैल्यू तो a है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2a - 1/2, और इसकी वैल्यू है b, 1/2b = -1/8। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि डिवाइड में 2, 2 और 8 है, तो आपको ये देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर जो है 8, उससे आपको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। ये पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको एक नया इक्वेशन मिल जाएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 8 से, तो 8 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा ये हो जाएगा 8/2a, क्योंकि 8 1 8 हो जाएगा, नीचे 2a माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 8 8, उसके बाद b है और नीचे 2 है, इज इक्वल टू -1/8 को भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान दो यहाँ पे, 2 1 2 4, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 2 1 2 4, ये हो जाएगा 4b, और ये 8 8 कैंसिल, बचेगा -1। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई, ध्यान दो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, 4a + 4b = 3, उसको मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, 4a + 4b = 3, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है। आपके पास यहाँ पे दो इक्वेशन है, बस साइमल्टेनियस इक्वेशन लगाओ, सॉल्व कर लो। ये देखो -4b + 4b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर b का कोएफिशिएंट सेम भी है और उनकी साइन अलग अलग भी है, दोनों रूल सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पर। 4a + 4a इसको सॉल्व करो, 8a हो जाएगा, 3 - 1 2, तो आपके पास बच गया 8a = 2। अब 8 और a मल्टीप्लाई में है, 8 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 2/8, 2 1 2 4, तो a की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 1/4, तो यहाँ पर 1 भूलना मत, क्योंकि 1 ऊपर है और ऊपर 1 रहता तो उसको लिखना ज़रूरी होता है। तो a की वैल्यू तो मिल गई, क्या चाहिए अब, b चाहिए, तो यहाँ से कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, मैं उठा लेता हूँ सेकंड वाली जिसमें माइनस नहीं होना, वो इक्वेशन जल्दी उठा लो, पहले उठा लो तो ईजी पड़ता है आपको सॉल्व करने को। देखो मैं यहाँ पर ये वाली इक्वेशन ले लेता हूँ ताकि मुझे सॉल्व करने इजी पड़े। अब a की जगह पर 1/4 डाल देंगे, +4b = 3, देखो 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 + 4b = 3, ये 1 उधर से लेकर चला जाऊँगा, 4b और 3 वैसे रखूँगा, ये 1 अगर इधर मैं राइट साइड में लेकर जाऊँगा तो -1 हो जाएगा, तो 4b = 2, और 4 को अगर मैं डिवाइड में ले लेता हूँ 2/4, तो क्या कैंसिल होके 1/2 आ जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, b की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, और a की वैल्यू आ गई 1/4। लेकिन 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 पिक्चर यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, मुझे तो चाहिए x और y, क्योंकि मेरे फॉर्मूले में, अरे मेरे क्वेश्चन में x और y वेरिएबल है, मुझे a और b चाहिए नहीं था, वो तो मैंने डाला था। अब मैं निकालूंगा x और y, अब वो कैसे निकालूंगा वो आपको बताता हूँ मैं। उसके लिए आपको पहले वाला देखना है कि a किसको माना था और b किसको माना था। देखो a और b, b की वैल्यू तो निकल गई, लेकिन मैंने माना था a 1/3x + y को a माना था, क्या माना था, a माना था, और 1/3x - y को b माना था। अब आप देखो a की जगह पर a की वैल्यू रख दो, 1/3x + y = a की जगह a की वैल्यू आ जाएंगी 1/4, और आप यहाँ देखो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को पलटा दूंगा, क्योंकि दोनों ऊपर 1 1 है, अगर वो दोनों नीचे आ जाएंगे तो मेरा आंसर ईजी हो जाएगा। क्या कर रहा हूँ मैं, 3x + y को ऊपर ले लूँगा, 1 को नीचे, तो मैथ्स का रूल है अगर एक साइड तुम उसको पलटा रहे हो ना तो दूसरी साइड भी पलटाना ज़रूरी है, वरना मत करो, फिर दोनों के साथ इंसाफ करो। तो देखो 1 1 नीचे आ गया, और 1 नीचे रहता है तो नहीं भी लिखते चलता है, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी 3x + y = 4, ये और इक्वेशन बन गई आपकी।
ठीक है, एक और बार साइमल्टेनियस इक्वेशन इसको सॉल्व करना है। अब ये वाला देखो, इसमें b की वैल्यू डालो पहले आप। b की वैल्यू क्या है भाई, 1/2 है। इसको भी उल्टा कर दो, 3x-y ऊपर आ जाएगा और इधर से 2 ऊपर आ जाएगा। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन मतलब नेक्स्ट इक्वेशन बन गई, इसको मैं फोर्थ नाम दे रहा हूँ। तो आपके पास 3x+y = 4 है और 3x-y = 2 है। बस इन दोनों को फिर से साइमल्टेनियस इक्वेशन में सॉल्व करो और x और y निकालो, वो आपका फाइनल आंसर होगा। ये देखो आपके सामने है ये दोनों इक्वेशन। अब देखो ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो बच रहा है आपके पास 3+3 6x, 2+4 कितना हो जाएगा 6। सिंपल सी चीज़ है, एक 6 को इधर लेकर डिवाइड कर दो, क्योंकि लेफ्ट साइड में वो मल्टीप्लाई में है। 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, तो बहुत लोग 0 लिखते, नहीं डिवाइड में कैंसिल होता है तो 1 लिखना चाहिए। x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब यहाँ से कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, जैसे मैं 3x+4+y = 4 वाला उठा लेता हूँ और x की जगह पर मैं लिख दूंगा 1। सिंपल कंसेप्ट, 3 1 3 + y = 4। ये 3 उधर लेकर जाऊंगा क्योंकि ये भी नंबर नंबर को एक साइड ले लेंगे, तो y इधर बच जाएगा, इधर 4 और 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 4 में से अगर 3 बच जा रहा है तो कितना बच रहा है, 1। तो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1। ये फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर है।